And then in the last video of Tapinauts, we had discussed about the isoprene rule as well as the special isoprene rule. But this video, we are going to start another rule for Tapinauts, that is jam dialkyl rule. Now, first of all, we have to know that what is jam dialkyl group. Like, हमने isoprene rule में पढ़ा था कि isoprene unit है, वो क्या होती है, किस type से जो Tapinauts होते हैं, उनके skeleton की formation करता है isoprene. वैसे ही jam dialkyl rule है, ये भी बताता है हमें about the structure of Tapinauts. ठीक है, यहाँ से भी हमें decide करना होता है structure of Tapinauts, stability of Tapinauts. तो इंगोल्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम बता देती हूँ, इंगोल्ड. इंगोल्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था टैपिनॉइड्स की स्ट्रक्चर को, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था टैपिनॉइड्स की स्ट्रक्चर को, और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा कि कभी भी जैम डायल्किल ग्रुप होता है ना, जैम डायल्किल ग्रुप यदि कभी भी टैपिनॉइड पे प्रेजेंट होता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. ठीक है, ना सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैम डायल्किल ग्रुप वो क्या होता है. तो मैंने आपको बहुत बार बताया है अबाउट जैम डायोड्स, ठीक है, जैम डायोड्स के बारे में बताया. तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि जैमिनल ग्रुप्स वो क्या होते हैं. तो जब सेम कार्बन एटम पे कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप वो प्रेजेंट होते हैं, like जैम डायोड से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं यहां पे. जैसे मैंने बोला कि एक कार्बन पे यदि यहां पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, जैम डायोड होता है. सिमिलर वे में यदि आपने एक कार्बन लिया है, उस पे दो क्लोरीन जोड़ दिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, जैम डाइक्लोराइड हो जाता है. ठीक है, सेम वे में यदि सिंपल सा आपको यहां से यही कॉन्सेप्ट, यही फंडा ध्यान में रखना है कि यदि सेम कार्बन पे कोई भी दो ग्रुप्स हैं वो सेम, कोई भी दो सेम ग्रुप्स हैं वो अटैच्ड होते हैं, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जैम डाई फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे क्लोराइड ले रहे हो या फिर हाइड्रोक्सिल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो. तो इसी वे में हमें देखना है जैम डाई एल्किल के बारे में, वॉट अबाउट जैम डाई एल्किल. तो हमने क्या किया, सेम कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप्स हैं वो जोड़ दिए. ठीक है, सेम कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप्स जोड़ दिए. यहाँ पे चलो हम स्पेसिफिकली डिफाइन भी नहीं करते, हमने यहाँ पे मिथाइली जोड़े हैं, क्या हमने क्या कर दिया, R जोड़ दिए यहाँ पे. R है वो कुछ भी हो सकता है, हमें इतना चीज पता है, R is equals to क्या होगा, alkyl होगा, not is equals to hydrogen. R is not equals to hydrogen, R is equals to alkyl group. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो group होता है ना, ये हमारा क्या होता है, जैम डाई एल्किल ग्रुप होता है. सेम कार्बन पे हमने क्या किया है, दो एल्किल ग्रुप्स को एड किया है, तो ये पहली चीज तो ये हुआ कि जैम डाई एल्किल ग्रुप क्या होता है. नाउ इंगोल्ड नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बताया कि जो भी टर्पिनोइड्स होते हैं उनमें यदि जैम डाई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि यदि यहां पे जैम डाई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये उनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है. अब स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा कैसे, तो इंगोल्ड ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा कोई भी टर्पिनॉइड जिसमें सिक्स मेंबर रिंग होती है, ठीक है, ऐसा कोई भी मोनोटर्पिनॉइड, वी हैव टॉक अबाउट मोनोटर्पिनॉइड्स, ठीक है, ऐसा कोई भी मोनोटर्पिनॉइड जिसमें सिक्स मेंबर रिंग होती है, मैं जो भी बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनना, देन मैं यहां पर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वो भी देती हूं. कोई भी ऐसा मोनोटर्पिनॉइड जिसमें सिक्स मेंबर रिंग होती है, उसमें यदि जैम डाई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है ऑन द रिंग कार्बन एटम, ठीक है, ऑन द रिंग कार्बन एटम, तो वो क्या करेगा, मोनोटर्पिन टर्पिनॉइड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा. ठीक है, वो क्या करेगा, मोनो टर्पिनॉइड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल मैं यहां से आपको बताती हूं कि जैसे हमने कोई एक ये सिक्स मेंबर रिंग ली, ठीक है, ये हमने कोई सिक्स मेंबर रिंग ली और वी हैव अज्यूम दैट कि ये कोई भी टर्पिनॉइड की रिंग है, तो हमने यहां पे यदि कोई जैम डायल्किल ग्रुप लगाया है, यानी कि ऑन द सेम कार्बन एटम हमने दो एल्किल ग्रुप लगाए हैं, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू जैम डायल्किल रूल. ठीक है, जैम डायल्किल रूल यहां से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. बस यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आपकी सिक्स मेंबर रिंग होती है, ठीक है, कोई भी आपकी मोनोटर्पिनॉइड्स की सिक्स मेंबर रिंग होती है, तो उस पे जैम डायल्किल ग्रुप है वो स्टेबलाइज नहीं करता. ठीक है, देन मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे. यदि कोई भी मोनोटर्पिनॉइड है वो बायसाइक्लिक है, अभी तक हमने बात किसकी की थी, मोनोसाइक्लिक की, यदि कोई भी मोनोटर्पिनॉइड है वो बायसाइक्लिक है और उसमें जो सेकंड वाली रिंग है वो कौन सी, एक तो कौन सी होगी, साइक्लोहेक्सेन होगी दूसरी रिंग कौन सी हो सकती है, साइक्लोपेंटेन हो सकती है, साइक्लोब्यूटेन हो सकती है, साइक्लोप्रोपेन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो जैम डायल्किल ग्रुप है वो डायरेक्टली जो सेकंड वाली रिंग है उस पे प्रेजेंट होगा, तो आपका मोनोटर्पिनॉइड वो स्टेबल होगा. साइक्लोहेक्सेन पे जैम डायल्किल ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपल सा कहने का मतलब यही है. जैम डायल्किल ग्रुप है वो आपका कहां पे प्रेजेंट हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन पे प्रेजेंट हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन पे प्रेजेंट हो सकता है, साइक्लोपेंटेन पे प्रेजेंट हो सकता है, बट नॉट कैन बी ऑन साइक्लोहेक्सेन रिंग. यही है आपका जैम डायल्किल रूल. तो सीधी सी बात क्या होती है, यहां से सिंपल कंक्लूजन क्या होता है, पहले मैंने आपको कंक्लूजन ही बताया, देन हम यहां से डिटेल में देखते हैं अबाउट जैम डायल्किल रूल. तो सिंपल सा आपको करना क्या है, देखिए आपको यदि कॉन्सेप्ट पता चल जाता है ना, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे कैसे भी डिफाइन करके लिख सकते हैं. सॉरी
सॉरी। तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है या फिर बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले पेपर्स हैं, इनकी थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है, इनकी जो थोड़ी सी थ्योरी है वो थोड़ी टफ होती है, दैट्स वाई आपको हार्ड पेपर लगते हैं। ठीक है, सिंथेसिस वगैरह होते हैं उनमें आपकी थ्योरी होती नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं, तो इसीलिए वो आपको ईजी लग रहे होते हैं। बट इनमें भी ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना होता है। लाइक मैंने आइसोप्रिन रूल में आपको बताया, स्पेशल आइसोप्रिन रूल में बताया, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था? आइसोप्रिन रूल का कॉन्सेप्ट यही था कि कोई भी आपका टर्पीन होता है, कोई भी आपका टर्पिनोइड होता है, उनका बेसिक कार्बन स्केलेटन है वो आइसोप्रिन यूनिट से मिलकर बना होता है। बस इतना सा है आइसोप्रिन रूल। उसके आगे की जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आपको ऐड करने होते हैं। यदि आपको इतनी चीज माइंड में अच्छे से घुस जाती है, देन आप आगे का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। लाइक हमने आइसोप्रिन स्पेशल आइसोप्रिन रूल में क्या बोला था कि जो भी आपके मोनो हेमी या फिर सेस्टर टर्पिन्स या फिर सास्को टर्पिन्स होते हैं, उनमें तो हेड टू टेल लिंकेज होता है, और जो आपके टेट्रा या फिर ट्राई टर्पिन्स होते हैं उनमें क्या होता है, टेल टू टेल लिंकेज होता है सेंटर में एक। तो ये क्या हो गया, स्पेशल आइसोप्रिन रूल हो गया। तो सेम वे में जैम डायल्किल ग्रुप है, सॉरी जैम डायल्किल रूल है, वो हमें किसके बारे में बताता है, अबाउट द जैम डायल्किल ग्रुप। यहां से हमें जो जैम डायल्किल ग्रुप है वो किस टाइप से स्टेबिलिटी ऑफ टर्पिनोइड को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये किस टाइप से स्टेबिलिटी ऑफ टर्पिनोइड को अफेक्ट करता है उसके बारे में बता रहा है। ये भी स्ट्रक्चर के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आइसोप्रिन रूल है वो भी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, स्पेशल आइसोप्रिन रूल है वो भी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, और जैम डायल्किल रूल है ये भी स्ट्रक्चर के बारे में ही बता रहा होता है। जैम डायल्किल रूल के बेसिस पे कोई भी आपके मोनोटर्पिनोइड्स होते हैं उनकी जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाली है उनका डिटर्मिनेशन हम यहां से कर सकते हैं बाय द जैम डायल्किल रूल, बाय द हेल्प ऑफ जैम डायल्किल रूल। ये चीज मैं आपको आगे विद एग्जांपल बताती हूं। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सिंपल सा, कि यदि कोई भी मोनोटर्पिनोइड है उसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो उसमें रिंग वाले कार्बन पे जैम डायल्किल ग्रुप कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये कहां पे प्रेजेंट होगा, आउटसाइड द रिंग, लाइक इस टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसे ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसे ये प्रेजेंट हो सकता है, आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट हो सकता है, बट ऑन द रिंग कार्बन कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो वो वाले जो मोनोटर्पिनोइड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वहीं यदि हम बात करेंगे बायसाइक्लिक, आपके पास में मोनोटर्पिनोइड है, बायसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है, तो उस वाले केस में जो जैम डायल्किल ग्रुप है वो प्रेजेंट कहां पे होगा, साइक्लोब्यूटेन पे हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन पे हो सकता है, साइक्लोपेंटेन रिंग पे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो आपका ग्रुप है वो स्टेबल होगा। तो हमने थोड़ा सा अबाउट जैम डायल्किल रूल जनरल जो अपना कॉन्सेप्ट होता है वो देख लिया। अब यदि आपने इतनी चीज अच्छे से सुनी है तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको नोट्स वो प्रोवाइड कराती हूँ कि यहाँ से किस टाइप से आपको एक्सप्लेनेशन देना है। लाइट चली गई है, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो यहाँ तक देखिए, हमने देखा कि जो आपका जैम डायल्किल रूल है उसमें कैसे क्या होता है। इसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि जैम डायल्किल रूल में आपको कितना लिखना होता है। अगर जो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया यहाँ से, तो हम देख लेते हैं यहाँ से कि थ्योरेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम कैसे देंगे। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ से क्लियर करना होता है अबाउट जैम डायल्किल ग्रुप, की जैम डायल्किल ग्रुप वो क्या होता है। और ये चीज आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जैम डायल्किल रूल है वो भी क्लियर हो गया होगा। बस हमें क्या देखना है, इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो देखना है हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इनगॉर्ड ने क्या दिया था, इनगॉर्ड ने ऑब्जर्व किया था कि जो टर्पिनोइड्स होते हैं उनमें यदि जैम डायल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी ऑफ टर्पिनोइड्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हम यहां से नोट करते हैं, इनगॉर्ड ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ जैम डायल्किल ग्रुप इन टर्पिनोइड्स अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ टर्पिनोइड्स अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ टर्पिनोइड्स। तो ये था यहाँ से फर्स्ट पॉइंट कि इनगॉर्ड ने ऑब्जर्व किया कि यदि यहाँ पे जैम डायल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। नाउ जो सेकंड पॉइंट था वो क्या दिया था इनगॉर्ड ने ऑब्जर्व किया कि यदि आपके पास में कोई भी मोनोटर्पिनोइड है और उसमें जैम डायल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और यदि वो जैम डायल्किल ग्रुप है वो साइक्लोहेक्सेन रिंग पे प्रेजेंट है, देन इस टाइप का जो टर्पिनोइड है वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, मेक्स मोनोटर्पिनोइड्स अनस्टेबल। देन यहाँ से जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या होगा, इनगॉर्ड ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ
monoterpenoids. In the case of monoterpenoids, if Jam dialkyl group, if Jam dialkyl group present on the carbon atom of cyclohexane ring, then it makes monoterpenoid unstable. सेकंड पॉइंट यहाँ से ये होता है कि यदि साइक्लोहेक्सेन के कार्बन एटम पे मोनोटर्पिनोइड्स में जैम डायरेक्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, मोनोटर्पिनोइड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। आपके पास थर्ड पॉइंट की हम यहाँ से यदि बात करें तो थर्ड पॉइंट में यदि हम बात कर रहे हैं बायसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स की, तो बायसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स में जैम डायरेक्टर ग्रुप है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है यदि जैम डायरेक्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन द कार्बन एटम ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एज वेल एज साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ से क्या होगा, Whereas Jam dialkyl group, stabilizes the bicyclic monoterpenoids if the Jam dialkyl group, if the Jam dialkyl group present on the carbon atom of cyclopropane, comma cyclobutane and cyclopentane. तो ये वाला पॉइंट है, ये हमें बता रहा है कि यदि हम मोनोटर्पिनोइड्स की बात करें तो मोनोटर्पिनोइड्स में यदि रिंग पे प्रेजेंट होता है आपका जैम डायरेक्टर ग्रुप तो वो क्या करेगा, यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ टर्पिनोइड को डिक्रीज करेगा। वेयर एज यदि आपके पास में बायसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है, बायसाइक्लिक दैट मींस उसमें दो रिंग होने वाले हैं, लाइक दैट एक सिक्स मेंबर रिंग हो गई, दूसरी थ्री मेंबर रिंग हो गई, तो कभी भी जो जैम डायरेक्टर ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा ऑन द थ्री मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर रिंग पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। और सिक्स मेंबर रिंग पे यदि जैम डायरेक्टर ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है तो वो रिंग के आउटसाइड पे होगा। ठीक है, सो बाय दिस रूल वी कैन से दैट इफ द जैम डायरेक्टर ग्रुप प्रेजेंट on the cyclohexane ring, then it should be outside of the ring. ठीक है, यहाँ से third point है, ये होने वाला है। ठीक है, so by this rule, we can say that if the Jam dialkyl group present on cyclohexane ring, then it should be present on outside of the ring. Then it should be present on the outside of the ring, यानी कि ring के outside में present होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से जो monoterpenoids, यहां से जो open chain monoterpenoids होते हैं उनकी जो होने वाली possible structures होती हैं उनका हम यहां से idea है वो लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके monoterpenoids होते हैं उनकी कौन कौन से structures हैं वो cyclic structure possible हो सकते हैं। ठीक है, हमने कोई भी open chain monoterpenoid लिया उसकी हमें cyclic structure बनानी है तो हम Jam dialkyl rule के basis पे बता सकते हैं कि इसकी कितनी साइक्लिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें यहां से ये देखना है। तो नाउ यहां से देखिए सेकंड जो फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है वो यहां से क्या होगा, दिस रूल लिमिट्स द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोटर्पिनॉइड्स
यानी कि मोनोटापिनॉइड्स की कितनी प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हम यहाँ से बता सकते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? ओपन चेन मोनोटापिनॉइड्स की। दस द ओपन चेन मोनोटापिनॉइड्स कैन गिव राइजेस मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है कि जो भी आपका जैम डायल्किल रूल है इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी हमारा जो ओपन चैन मोनोटर्पिनॉइड है उसकी प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स वो कौन सी होंगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो भी आपका ओपन चैन मोनोटर्पिनॉइड होगा वो यहाँ से ओनली मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कैन गिव राइज मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड। ठीक है, ओनली मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड की फॉर्मेशन है वही ये करेगा। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि किस टाइप से हमें लेना है मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड और कैसे हमें ओपन चैन मोनोटर्पिनॉइड लेना है और वहां से साइकिल की फॉर्मेशन करनी है, रिंग की फॉर्मेशन करनी है, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इससे नीचे का फिर दिखेगा नहीं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें यहाँ से एग्जांपल देखना है कि कोई हम ओपन चैन मोनोटर्पिनॉइड लेंगे और ओपन चैन मोनोटर्पिनॉइड से हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें उसे साइक्लिक में कन्वर्ट करना है। तो साइक्लिक में वो मोनोसाइक्लिक की ही फॉर्मेशन करेगा और वो कैसे होने वाली है, तो देखिए सबसे पहले हमने फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा सा टर्पिनॉइड है वो रखा है। ठीक है, ये हमने कुछ टर्पिनॉइड है वो रख लिया है। ठीक है, ये हमारा ओपन चैन टर्पिनॉइड है। अब ओपन चैन टर्पिनॉइड को यदि हमें साइक्लिक में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ये जो डैश डैश वाली लाइन है यहीं से ये साइक्लिक की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से जो बनने वाला साइक्लिक टर्पिनॉइड है वो कुछ इस टाइप से होगा। नाउ देखिए यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग है, सिक्स मेंबर रिंग पे हमने क्या बनाया, जैम डायल्किल ग्रुप बनाया है। बट ये वाला जो जैम डायल्किल ग्रुप है ये आउटसाइड ऑफ द रिंग है। ठीक है, ये कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ द रिंग है। दूसरी पॉसिबिलिटी अब वो यहाँ से क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस टाइप की हो सकती है कि आप यहाँ पे बना दो। ठीक है, यहाँ पे बना दो आप ग्रुप्स को। ये वाला जो जैम डायल्किल ग्रुप है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से ऑब्टेन नहीं हो सकते। यहाँ से ऑब्टेन कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी। सो वी कैन से दैट वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चैन टर्पिनॉइड्स बाय द हेल्प ऑफ जैम डायल्किल रूल। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, ये चीज हमें पता चल गई कि मोनोसाइक्लिक की ही फॉर्मेशन होने वाली। बट मोनोसाइक्लिक में भी तो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ये वाले रिंग भी फॉर्म हो सकती है, ये वाले रिंग भी फॉर्म हो सकती है। तो यदि हमें नहीं पता होता जैम डायल्किल रूल के बारे में तो हमारे लिए तो दोनों स्ट्रक्चर्स करेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता। जैम डायल्किल रूल के अकॉर्डिंग यही वाली स्ट्रक्चर ये करेक्ट होती है, दिस स्ट्रक्चर नॉट बी करेक्ट। ओके, देन यहाँ से जो लास्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा कि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनके कार्बन स्केलेटन पे जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनकी लोकेशन को भी हम बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जैम डायल्किल रूल। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप से होगा, जैम डायल्किल रूल हेल्प्स टू लोकेट कार्बन स्केलेटन ऑफ साइक्लिक टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने पूरा जैम डायल्किल रूल है उसे कवर कर लिया है, यहीं तक होता है आपका जैम डायल्किल रूल। जैम डायल्किल रूल यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको इतना सारा सब कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है। यदि आपसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ जैम डायल्किल रूल तो वो भी इसी में आ गया। इंपॉर्टेंस में हमने पहले जो इंपॉर्टेंस है वो तो यहां से क्या लिखी थी, दिस रूल लिमिट्स द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो यहां से सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि ये बताता है प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और जो दूसरी चीज होती है वो क्या बताता है, ये जैम डायल्किल रूल है वो जो कार्बन स्केलेटन का लोकेशन होता है उसको भी लोकेट करने में हेल्प करता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंस भी हो गया जैम डायल्किल रूल का। जैम डायल्किल रूल क्या होता है तो वो मैंने इनिशियली जो पॉइंट्स बताए थे वो आप फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जैम डायल्किल रूल। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी पूछ लिया करो, क्योंकि यदि आप 2 महीने बाद यदि मेरे से पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पे ये चीज कैसे है तो मेरे को फिर से वो वीडियो देखना पड़ेगा।
देखा कि मैंने कहाँ पे क्या बताया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइमिंग भी नहीं बताते, डायरेक्ट बोल देते हैं कि मैम यहाँ से ये चीज कैसे है, तो मैं पूरा वीडियो फिर से देखने के लिए नहीं बैठ सकती ना, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास भी। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अभी ही अभी पूछ लिया करो, जैसे वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पे पूछ लिया करो कि हाँ मैम हमें यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, सो आप हमें ये चीज बताइए, ठीक है। और वीडियोज की फ्रिक्वेंसी वो मैं सही रखने की कोशिश करूंगी। वन मोर थिंग, इस बार के लिए मैं जो लेंथी वीडियो है वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था टपिनॉइड का आइसोप्रिन रूल वाला, वो अपलोड करने में मेरा जो दिमाग खराब हुआ ना, भयंकर वाला हुआ है, 2 दिन लगे हैं उसे अपलोड करने में। आप लोगों को लग रहा होता है कि मैम वीडियोस बना नहीं रही होती हैं, लेकिन मैम बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर कर रही होती हैं, ठीक है। सो बस देखते रहिए वीडियोस को और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।